नमस्कार दोस्त, आज हम जानेंगे लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट में विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको साइन इन और लॉगिन की जरूरत पड़ती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर होता है इसी के बारे में बात करेंगे। लॉगिन और साइन इन में अंतर, कई लोग इन दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं साइन इन की। जब भी आप किसी वेबसाइट में साइन इन करते हैं तो वेबसाइट आपके एक्सेस किए डाटे को स्टोर नहीं करती है, यानी आपने उस वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी की है ये सब वेबसाइट के डाटाबेस में स्टोर नहीं होता है। तो जब भी किसी वेबसाइट पर आपको साइन इन देखे तो समझ जाना कि इस वेबसाइट पर आपकी कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं लॉगिन की। आप जितनी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं उन सभी वेबसाइट पर आपकी एक एक एक्टिविटी वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जब आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो फेसबुक आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। फेसबुक को पता होता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक को ये भी पता होता है कि आप किस फोटो को लाइक और डिसलाइक कर रहे हैं। ये सब लॉगिन फीचर के कारण ही होता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।